पिस्तौल लेकर आने, नारे लगाने, गैलरी से कूदने और पर्चे फेंकने जैसी घटनाएं पहले भी संसद में हुई है। घटना वाले दिन सभी दल के नेताओं के साथ सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई थी और बैठक में लिए गए कुछ जरूरी फैसलों को तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए विशेष निर्देश भी दिए गए थे। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ सदस्य और राजनीतिक दल कुछ सांसदों के निलंबन के फैसले को 13 दिसंबर की घटना से जोड़ रहे हैं। बता दें, 13 दिसंबर को संसद में आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर लोकसभा में विजिटर्स गैलरी से दो युवक अचानक संसद के अंदर कूद जाते हैं। उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। दोनों युवक सदन की बेंच पर कूदते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच उन्होंने जूते से निकालकर कुछ स्प्रे किया, जिससे सदन में पीला धुआं फैलने लग गया। इस दौरान पूरे संसद में भगदड़ मच गई थी। बता दें, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने संसद पर हमला करने की धमकी दी थी, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस अलर्ट पर थी। लेकिन फिर भी उन दो युवक ने 5 लेयर सुरक्षा को तोड़ते हुए संसद में घुसकर हंगामा कर दिया। लोकसभा में प्रदर्शन कर रहे दोनों युवकों को कुछ सांसदों ने घेरकर पकड़ लिया। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने दोनों युवक सागर शर्मा और डी मनोरंजन को गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के बाद 14 दिसंबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 13 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया था। बता दें, 13 दिसंबर को हुई संसद में सुरक्षा चूक को लेकर 14 दिसंबर को सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ था। इस दौरान लोकसभा के 13 सांसदों को संसद से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें से 9 कांग्रेस के, 2 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के और इसके अलावा डीएमके और सीपीआई पार्टी से एक एक सांसद का नाम शामिल है। लोकसभा के अलावा राज्यसभा से टीएमसी सांसद डेर के ओब्रायन को भी पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, संसद में हुई चूक के मामले में 16 दिसंबर को एक और आरोपी पकड़ा गया, जिसका नाम मुकेश कुमावत है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 7 दिन के लिए पुलिस की कस्टडी में भेज दिया गया। इस मामले में अभी तक 6 लोग पकड़े गए हैं। 13 दिसंबर को संसद में हुई चूक के मामले के बाद 13 विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सफाई देते हुए सस्पेंशन की असली वजह बताई। ओम बिरला ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि सांसदों का निलंबन सदन की पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया है, इसे संसद की सुरक्षा चूक से नहीं जोड़े। आगे ओम बिरला ने अपनी चिट्ठी में लिखा, देश सदन की कार्यवाही के दौरान ऐसे आचरण की उम्मीद नहीं करता, इसीलिए सांसदों को निलंबित करने का फैसला संसद की पवित्रता बनाए रखने के लिए लेना पड़ा। नमस्कार।